हेलो, आई एम ऑडिबल? देखो, ये हमारे इडियोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें सब में हम लोग को सेम ही काम करना है। एवोगैड्रोस लॉ हम लोगों ने जो पढ़ा था तो उसी का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, उसका एप्लीकेशन किस किस तरह से होता है इस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। तो जैसे हम ये क्वेश्चन अगर आपको बताते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर सेवन में आपके पास क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपको इसमें अलग दिमाग लगाना होगा। बेसिकली एप्लीकेशन है, काम सारा वही करना है, बस थोड़ा रिएक्शन वगैरह पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो मिक्सचर आपके पास किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसको हम क्या किए, एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करने का क्या मतलब है, इसके थ्रू बिजली पास कर दिया या फिर इसको ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर बन जाएगा, राइट? ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हम लोग को इसमें थोड़ा बैलेंस करना होता है, और फिर जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना होता है, कंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस करो, तो बैलेंस करने पे क्या आता है, 2H2 plus O2 gives 2H2O। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो 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 डेटा है उसको आप यूज करो, तो 0.02 लीटर है आपका मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसमें मान लो ये आपका कितना था, x लीटर था, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 0.02 माइनस एक्स लीटर। ठीक है, यस सर। और इनिशियली ये जीरो था, वाटर था नहीं हमारे पास, ये इनिशियली हमारे पास ये है सॉल्यूशन। ठीक है, फाइनली फिर हमारे पास क्या हो रहा है, 0.03 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिमेन्ड, मतलब हाइड्रोजन हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन पूरा खत्म हो गया और ऑक्सीजन इतना बचा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो हाइड्रोजन पूरा खत्म हो गया, हाइड्रोजन 0 लीटर बचा है, और ये कितना बचा है हमारे पास, 0.003 लीटर। ठीक है, ओके। तो अब आप यहाँ पे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ H2 कंज्यूम ये कितना होगा, बताओ शुभांकर। सर सारा अमाउंट कंज्यूम हो गया होगा। हाँ, तो अमाउंट कंज्यूम कितना होगा, एक्स लीटर। यस सर। ओके नंदनी, आप बताओ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड कितना होगा। सर 0.003 माइनस 0.2। 0.002 क्या है, 0.003 माइनस 0.02। हाँ, एक्स कहाँ चला गया, एक्स भी है ना इसमें। हाँ सर, वही माइनस कर देंगे तो 0.02 माइनस एक्स माइनस 0.003। हाँ ठीक है नंदनी, देखो हमने इतना लिया था उसमें से इतना बचा है, तो कंज्यूम क्या हुआ, ऊपर में से नीचे को माइनस करेंगे। ठीक है, आपने आपने उल्टा किया है, 0.003 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप, हाइड्रोजन जितना कंज्यूम होता है उसका आधा ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, राइट? हाँ, यस सर। आप इक्वेट कर दो, हाइड्रोजन हमारा x लीटर कंज्यूम हुआ है, तो ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होना चाहिए, x by 2। लीटर, अच्छा x by 2, हाँ। यस। And this should be equal to 0.02 minus x minus 0.003, ठीक है? तो इससे आपके क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? हाँ सर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x by 2 is equal to 0.017, ठीक है? तो x इक्वल टू आ गया 0.034/3। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गया। सिमिलरली तो x हमारा क्या है, x इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन इनिशियल मिक्सचर, तो वो हमारा आ गया 0.034 अपॉन x, सो अपॉन 3। ठीक है, फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है इनिशियल मिक्सचर में, बताओ मेरे को शुभांकर। सर 0.034/3 × 2, मतलब 0.034/6।
नहीं, इनिशियल मिक्सर में तो ये है ना 0.02 माइनस एक्स। हाँ सर, तो अच्छा 0.02 माइनस 0.034 बाई 3। ठीक है, या फिर हम इसको इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 0. क्या आ जाएगा ये, चलो ठीक है जो भी आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.0026 अपॉन 3। ठीक है सर, 26 कैसे? अच्छा अच्छा, आपने डायरेक्ट निकाल दिया सर। हाँ ठीक है, अब हमने को क्वेश्चन में क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो बताना है, तो हम लिख सकते हैं क्या होगा रेशियो, 34/26 होगा हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन। ठीक है, तो परसेंटेज के टर्म्स में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 34/60 × 100। परसेंटेज के टर्म्स में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 26/60 × 100। ठीक है, यस सर। तो सब क्वेश्चन में इसी तरह का काम करना है, काम थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आप लोग को इसको ध्यान से करना है। ठीक है, तो हो जाएगा सब क्वेश्चन। यस सर। ओके, हम एक दो और डेमो देते हैं फिर आप लोग उसको ट्राई करना। ठीक है, हाँ सर। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ सर, समझ में आया। बाकी लोग आए क्यों नहीं अभी तक? शायद देखे नहीं होंगे। चलो ठीक है, तो इसको हम क्लियर करें। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा ट्राई करें? चलो ये वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 12 ml ऑफ अ गैसियस हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, हाइड्रोजन और कार्बन का कुछ। हेलो, हाँ सर, 10। यस सर। हाइड्रोकार्बन कैन बी रिटन एज सम HX CXHY। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ सर। इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, हाँ सर। तो क्या बनेगा, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, ओके। अगर इसको आप बैलेंस करो सारे कार्बन एटम्स को और ऑक्सीजन एटम्स को, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट एक्स आ जाएगा। हाँ। इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, वाई बाई टू। ऑक्सीजन का क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन x plus y by 4। यहाँ पे ऑक्सीजन इस साइड कितना है, इस साइड ऑक्सीजन है 2x plus y by 2। ठीक है, और उसका हाफ ये हो जाएगा, O2 है ना। समझ में आया सबको? ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन हमारे पास कितना है, रुको ग्रीन पेन से लिखते हैं इसको। हाइड्रोकार्बन हमारे पास है 12 ml। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास कितना यूज किया हमने, 50 ml। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, ओके। और फिर इस रिएक्शन में हम कर क्या रहे, CO2 हमारा प्रोड्यूस। अच्छा, तो इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फाइनल मेजर्ड वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन वाज 32 ml। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, 32 ml जो हमारा मिक्सचर है वो 32 ml कहाँ कहाँ से आएगा सर? मतलब हाइड्रोकार्बन CO2 प्लस H2O दोनों से होगा? नहीं, H2O यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है, दिस H2O इज लिक्विड। ठीक है, हाँ सर, तो वहाँ पे H2O लिक्विड को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 32 ml, दिस इज सम अमाउंट ऑफ CO2 जो कि बना है और कुछ अमाउंट ऑफ ये ऑक्सीजन जो कि बच गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। और यहाँ पे आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH द वॉल्यूम डिमिनिशेस टू 8 ml। तो पहले हमारे पास क्या था, 32 ml का रिमेनेंट्स था। ठीक है, अब इस रिमेनेंट्स में क्या हो सकता है हमारे, CO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ सर, इसके थ्रू हमने किसको पास किया, KOH को, तो हमारा वॉल्यूम कितना बन गया, 8 ml। ठीक है, तो KOH क्या करता है, तो इसके लिए हमने CO2 को अब्सॉर्ब करता है। हाँ, वेरी गुड। वो जो टेबल दिया था उसको आप देखो, तो उसमें दिया हुआ है कौन से गैस को कौन सा एलिमेंट अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो KOH हमारे CO2 को अब्सॉर्ब करता है, तो CO2 अब्सॉर्ब कितना हो जाएगा हमारा, 32 - 8 ml,
दैट इज 24 ml, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 का अमाउंट अपने को मिल गया कितना, 24 ml, ठीक है। अब देखो, एक मोल हाइड्रोकार्बन से x मोल CO2 बनता है, ठीक है। हाँ सर। तो 12 ml से कितना बनना चाहिए, 12 into x ml, 12x equal to 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। बात समझ में आई? हाँ सर, हाँ सर। ओके, अब ये बाकी का 8 ml क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। हाँ सर। तो 8 ml ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन रिएक्ट कितना किया होगा, 50 - 8, दैट इज 42 ml। हाँ सर। अब इसके एक मोल से इसका x plus y by 4 मोल बनता है, ठीक है। तो इसके 12 मोल से कितना होना चाहिए, 12x plus y by 4। और एक बार बोलेंगे सर? हाँ, देखो, हाइड्रोकार्बन के एक मोल से इसका इसके एक मोल से इसका x plus y by 4 मोल लगता है ना? तो इसके 12 ml से कितना, 12 into x plus y by 4 होना चाहिए। हाँ सर। And this is equal to how much, बोलो? 42, ठीक है। और x की वैल्यू आपने 2 निकाल ली है, तो उसको इसमें पुट कर दो, तो 2 plus y by 4 is equal to 42 upon 12, इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, 6 से काटो, 7 by 2, ठीक है। तो y by 4 is equal to 7 by 4 minus 3 by 2, तो y is equal to क्या आ गया, 6, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन हमारा क्या आ गया, C2H6, तो C2H6 आपका आंसर है। बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आया सर। यस सर। तो सारे क्वेश्चन में ऐसे ही काम करना है, थोड़ा लेंदी होगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग इसको करो, ठीक है। इसीलिए हमने बीसी क्वेश्चन दिए थे कि आप लोग जल्दी से करके देखो इसको, ठीक है। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे। टेंथ वाला सर, थोड़ा। कौन सा? टेंथ वाला। टेंथ वाला, ओके, चलो ठीक है, इसको क्लियर करें। हाँ सर। यस सर। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 0.9 ग्राम ऑफ अ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कंपाउंड में हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। विद ऑक्सीजन करिस्पोंडिंग टू अ वॉल्यूम ऑफ 224 ml, कंटेनिंग वाज हीटेड विद ऑक्सीजन करिस्पोंडिंग टू, अच्छा, इसको हम क्या किए, ऑक्सीजन के साथ हीट किए, ठीक है। हाँ सर। आफ्टर द कम्बशन, अच्छा, और ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है, 224 ml, 224 ml, मतलब कितने मोल्स हो गए हमारे, 1 मोल, नहीं सर, 0.1, नहीं, एक मिनट, 0.01 सर, 0.01 मोल्स, ठीक है। हाँ सर। तो हमारे पास ऑक्सीजन है 0.01 मोल्स, ठीक है। ये कैसे निकला, ये 0.01 मोल्स कैसे हुआ, इसका ml दिया हुआ है ना एचटीपी पे, 224 ml। हाँ सर। तो 1 मोल का कितना होता है वॉल्यूम एचटीपी पे, 22.4 लीटर्स। हाँ, तो 22400 ml, तो इसका 100 जो है तो 0.01 मोल होगा, ठीक है। After combustion, the total volume of gases was this at STP, ठीक है? तो इसको जब हम combustion करेंगे तो क्या मिलेगा? X moles of CO2 बनेगा, ठीक है? Plus Y by 2 moles of H2O होगा। हाँ सर। ठीक है? और इसका coefficient क्या हो जाएगा? ये आप calculate करो, ठीक है? कुछ आएगा इसका coefficient X और Y के terms में? हाँ सर, आएगा सर। X, Y और Z के terms में, ठीक है? ठीक है? और उसकी वैल्यू दी है 0.01, ठीक है। हाँ सर। फाइनली जो गैसेस है हमारे पास 560 ml, वो कहाँ से है, ये CO2 से है। अच्छा, हाँ सर, ऑक्सीजन जो बच, हाँ, CO2 प्लस ऑक्सीजन जो बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑन ट्रीटमेंट विद KOH द वॉल्यूम डिक्रीजेस टू दिस, तो यहाँ से यहाँ जो रिडक्शन हुआ है वो किसके कारण हुआ है, CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्प्शन। हाँ, तो CO2 का अमाउंट आ जाएगा इसमें 560 - 112, ठीक है। हाँ सर। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। हाँ सर, x की वैल्यू। अब हो जाएगा क्वेश्चन सर, x की वैल्यू नहीं सर, x की वैल्यू तो नहीं मिली है, x की वैल्यू नहीं मिली है, CO2 की वैल्यू मिली है, CO2 कितना बन रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब हो जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन कितना रिमेनिंग है, वो भी, वो तो है।
और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपके पास, इसका मोलर वेट 90 है और ये 0.9 है, मतलब कितना 1/100 मोल ये है, ठीक है? ये हाइड्रोकार्बन ना 1/10 सर, 1/100 होगा ना, ठीक है? तो ये कितना हमारे पास 1/100 मोल है। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन? हाँ सर, तो सारे क्वेश्चंस में यही करना है, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना है, ठीक है सर? 0.1 मोल होगा सर। अरे देखो यार, 0.9 ओ हाँ हाँ सॉरी, 0.9 है ना, 0 नहीं देखा। ओके, तो इसके क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करो, जल्दी से भेजो मेरे को, ठीक है? हाँ सर, अगले क्लास में ये पेपर डिस्कस करके फिर नया चैप्टर शुरू करना है कल तक, ठीक है? अगला क्लास तो कल है सर, कल। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।